Hello guys, welcome to Sitla Puja. Lambing Sitla Puja 2023. Guys, मेरे पीछे में
सो ये रहा गाइस शीतला पूजा मेला का कुछ नज़ारा, जिसमें आपको बस लाइटनिंग ही लाइटनिंग दिखाई देंगे और बहुत ही सारे लोग। सो अगर मैं वहाँ पे कुछ बोलती तब भी आपको मेरा वॉइस सुनाई नहीं देता, तो यस इसी से काम चला लीजिए। और यहाँ पे बहुत ही सुंदर 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 सा राइड निकला हुआ है, सो मैं रिकमेंड करूँगी आप सभी को जाइए और मेले को इंजॉय कीजिए। यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर सा राइड था और बहुत ही लोग इन्जॉय कर रहे थे और मैंने भी बहुत ही इन्जॉय किया शीतला पूजा 2023। सो स्टे ट्यून इन माई वीडियो। নাগিন কন্যা তোমার লাল কুকুরের জিতে নেই তো, তাহলে নাগিন কন্যা খাবারটা খায় কিভাবে? তো পাশে আসুন দেখতে পাবেন, ও তো রিং মাস্টার আছে, তার পছন্দের খাবারটা মুখে তুলে ধরছে গ্লাসে একটু দুধ আর একটু আপনারা কিন্তু আপনাদের কথা বলতে পারবেন। আচ্ছা পরবর্তী তো যারা টিকিট কাটছেন দুটো গেটেই দাঁড়িয়ে যাবেন, দুটো গেটে খুলবে তিন तो मेला पे घुसते ही हमने कुछ इस तरह का राइड देखा, जिस पर हम तोड़ा पड़ा है कुछ था, जिसपे मेरे बहन और भाई ने राइड लिया था, जो मैं इंजॉय कर रही थी बस वीडियो बना के, क्योंकि मुझे ये सब राइड से बहुत ही डर लग रहा था, मैं वीडियो बनाते बनाते भी डर रही थी। सो आप लोग देख के समझ रहे हो कि कितना मज़ा लगा होगा उनको राइड पर। सो और ये दूसरा वाला जो व्हील है उसको तो मैं देख के ही डर जाती हूँ। सो यस गाइस मैं बस मेले पे जाती हूँ ताकि मुझे देख सकूँ मैं लाइटनिंग वगैरह वह सब, क्योंकि मुझे मेले में कुछ भी चढ़ना में डर लगता है मुझे। सो यस बस मैं गई थी, सब लोग ने एंजॉय किया, सब लोग राइड पे घूरे और मैं वहाँ पे वीडियो बना रही थी और कुछ व्लॉगिंग कर रही थी। तो यस एंजॉय देखते रहिए, मैं रिकमेंड करूँगी आप सभी आइए और घूरिए। सो ये रहा गाइस मेले के सबसे मेमोरियल वाला मोमेंट, जिसके ये बड़ा सा व्हील या कुछ पता नहीं क्या है इसका नाम, वहाँ से कुछ कुछ बच्चे या फिर बड़े लोग वहाँ पे चीट फेंक रहे थे और ये सब चीट ऐसे स्नोफॉल की तरह लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। थैंकफुली मैं कैमरा उस समय वीडियो कर रही थी और मैं ये सब शूट कर पाई। सब देख सकते हो पूरे मेले पे ये हुआ जो कागज़ के पीसेस है वो सब भी जगह जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि लामनिंग शीतला पूजा पे स्नोफॉल हो रहा है। इतना सुंदर लग रहा था कि वीडियो पे देख के आप बोल सकते हो कि कितना ही सुंदर लग रहा था होगा और अच्छा लगता है, मेमोरी हुआ कि जिसने भी किया बहुत ही अच्छा लगा सर। देखते रहिए गाइस फाइनली गाइस आफ्टर द राइड हमने ट्राई किया, ये कुछ कोला टाइप का कुछ था बट यूनिक टाइप से बना रहा था। सो मैंने काला खट्टा फ्लेवर अप्लाई किया, सोचा कि कुछ देखते कैसा बनता है। एंड यस गाइस राइड हो चुका था क्योंकि लोग बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रहा था और हमें घर भी जाना था, तो हमने पुचका पॉपकॉर्न आइसक्रीम और ये सब खाया और लास्ट में मैंने जूस लिया और टाइम हो गया था कि हम घर वापस जाए। और हमने अच्छे से मूर्ति का दर्शन नहीं किया क्योंकि हम शाम को आए थे, बस हमने मेला इन्जॉय किया। सो यस आपको द नेक्स्ट डे वाला व्लॉग इसी पे ही मिलेगा, जिसपे मैं मॉर्निंग का व्यू दिखाऊंगी, जस्ट सिंपल सा छोटा मोटा सा होगा। सो देखते रहिए और मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप सभी को आइए शीतला पूजा पे। सो शीतला पूजा होने के बाद अभी हम जा रहे घर, सो मिलती हूँ आपको मॉर्निंग वाले दर्शन व्लॉग पे। The next day. So hello guys, good morning and welcome back to my channel again. So अभी मॉर्निंग का हो रहा है 8:15 या कुछ हो रहा था, तो हम जा रहे थे, हमने देखा कि बहुत ही बड़ा सा लंबा सा लाइन लगा हुआ था भगवान के मूर्ति के सामने दर्शन करने के लिए। सामने शॉर्टकट सा रास्ता अप्लाई किया और जाके बस अगरबत्ती और दिया ये सब हमने जला लिया
और भगवान का दर्शन किया, अच्छे से प्रणाम वर्णाम किया और घर के लिए छोटा मोटा सा सामान खरीदा। उसके बाद हो गया था मेरा ट्रेन का टाइम और मुझे लामडिंग को बोलना था बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ईयर शीतला पूजा पे। सो मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया लामडिंग पे। आई थिंक मेरा एक डे का वन डे ट्रिप था, बट मैंने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया, अच्छा सा वाइब आ रहा था। सो मैं आप सभी को मेरे वीडियो से ही बोलना चाहती हूँ कि आप सभी भी जाइए, इन्जॉय कीजिए और मेरी वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। सो यस, उसके बाद हमने पूजा वूजा किया और हम निकले वहाँ से अपने घर की ओर। सो फाइनली मैं लामडिंग को बाय बाय करके जा रही हूँ अपने घर बोकाजान। सो आपको कैसा लगा मेरे चैनल को, मेरा वीडियो को देख के? और जरूर आइएगा शीतला पूजा, बहुत ही मजा आएगा।